लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अंग्रेजों के जुल्म अभी कम नहीं हुए थे कि उन्होंने लूट मार का रास्ता भी अख्तियार कर लिया और हमारे मुल्क के कीमती खजाने को लूट कर वो यहाँ से बाहर भेजने लगे। जल्दी करो, ऊपर पीछे रखो इसको। कर्दन साहब, खजाना तो सब लूट लिया है, लेकिन इनका क्या करना है? इनके बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं। जल्दी सोच लो कर्दन साहब, अगर राजा आजाद सिंह को पता चल गया कि आप हमारे देश का खजाना लूट कर ले जा रहे हो तो याद रखो वो तुम्हारे किसी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी नहीं, अपनी फिक्र करो कि तुम में से कौन जिंदा बचेगा। जनरल डायर। यस सर। एयरपोर्ट चलने की तैयारी करो। ओके सर। साइमन, इन सब का नाम भी शहीदों में शामिल कर दो। ओके सर। हमारी तरफ से इनाम। शुक्रिया शुक्रिया राजा साहब। डॉक्टर। राजा साहब। शमशेर, क्या हुआ शमशेर? अंग्रेजों ने किले पर हमला करके सारा खजाना लूट लिया है और लाशों के ढेर बिछाकर चले गए हैं। जल्दी करो। वर्ल्ड डॉर, वर्ल्ड साइमन, तुम हिंदुस्तान को ही तरह लूटते रहो। ये मुल्क जितना नीचे जाएगा तुम लोग उतना ऊपर जाएगा। मैं सरकार से तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। We'll be right back.
राजा साहब। माफी उन बेगुनाहों से मांगना करजन जो ऊपर तेरा इंतजार कर रहे हैं। बुजदिलो, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। जनरल डायर, यहां आते हुए हमने आप लोगों के कई जुल्म देखे। आप लोगों ने राजा आजाद सिंह के खजाने को लूटा, उसकी प्रजा को मौत के घाट उतारा। इसका जिम्मेदार कौन है, आप या आजाद सिंह? आजाद सिंह नहीं, राजा आजाद सिंह कहो। राजा नहीं, बागी। उसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सर उठाया है। आपने उनकी खुददारी को ललकार कर उन्हें बगावत पर मजबूर किया होगा। मजबूर तो आप लग रही है कजिन हेलेना। आपके दिल में आजाद सिंह के लिए हमदर्दी, ये बात तो सभी जानते हैं। कॉलेज के दिनों में आजाद सिंह और आपकी काफी गहरी दोस्ती थी। That's enough, General. ये मत भूलो कि हम यहाँ अपने हस्बैंड गवर्नर फिलिप्स की इजाजत से तहकीकात करने आए हैं। तहकीकात? उस मुजिल की करने आई है, उस कायर की जो हमसे छुपता फिरता है। छुपते चोर हैं डायर, हम तो मौत बनकर दुश्मनों के सर पर मंडराते हैं। हरामजादो, निकालो वो खून बाहर जो तुमने हमारी प्रजा का पिया है। बस करो राजा आजाद सिंह, बहुत खून बह चुका है इस मुल्क में, अब और मत बहाओ। थोड़ा सा खून क्या बहा है अंग्रेजों का? आप देख ना सकी लेडी हेलेना, तो हम अपने गरीब जनता का बहता हुआ खून कैसे देखते। आजाद सिंह, इस तरह में एक दूसरे का खून बहाते रहे तो एक दिन इस देश की गंगा जमुना का पवित्र पानी खून में रंग जाएगा। रोक तो इस बदले की आग को। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी हुकूमत से आपके लिए इंसाफ की भीख मांगेंगे। भीख नहीं, हमें हक चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको आपका हक मिलेगा, लेकिन हम भी एक वादा चाहते हैं, आपकी तरफ से इन पर दोबारा हाथ नहीं उठाया जाएगा। हम जबान देते हैं लेडी हेलेना, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी। जय मातृभूमि। हमने उन्हें जबान दी है। जुबान आपने दी है कजिन हेलेना, हमने नहीं दी है। पकड़ लो इसको। हरामजादो, पीठ पर मारा है, अब सीने पर खाओगे। जिंदा या मुर्दा, आजाद सिंह को पकड़ने वालों को 20,000 रुपया इनाम। हटाओ इसे। 20-25 हजार की मामूली रकम के लिए कोई भी हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को नहीं बेचेगा हजूर। और फिर आजाद सिंह की कीमत तो ज्यादा होगी, ये राजा है। राजा राजा था है नहीं, लेकिन वो दोबारा हाथ में आएगा कैसे? अगर आप चाहें तो ये काम मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम भी तो हिंदुस्तानी है। ओहो सरकार, अपना आधा हिंदुस्तानी खून तो पानी है, लेकिन बाकी का आधा तो प्योर इंग्लिस्तानी है। ओके ओके, क्या इनाम चाहिए? कुछ नहीं सरकार, बड़ी मामूली सी। वो सामने सफेद झोंपड़ा देख रहे हैं ना आप? झोंपड़ा? वो तो महल है। सरकार आपके लिए तो झोंपड़ा ही है, सिर्फ 100 कमरे तो है उसमें। हुजूर, अगर आप ये महल इन्हें दे दे तो आजाद सिंह तो क्या, ये अपने स्वर्गवासी बाप को भी लाके आपके कदमों में डाल दे। हमें मंजूर है, लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? मैं नहीं पकड़ूंगा सरकार। लीजिए। पकड़ेंगे आप, और नाम भी आप ही का होगा। मैं तो सिर्फ उसे बेहोशी का इंजेक्शन दूंगा। लगता है डॉक्टर आ गए। गुड आफ्टरनून रानी दीदी। आइए आइए डॉक्टर हैरी। सॉरी राजा साहब, आने में थोड़ी सी देर हो गई। डॉक्टर, हमारा ख्याल था कि ऐसे आड़े वक्त शायद आपका आधा अंग्रेजी खून कहीं। जी जी जी, राजा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप। माना कि हमारा आधा अंग्रेजी खून पानी है, लेकिन बाकी का आधा खून तो प्योर हिंदुस्तानी है। आए, जख्म तो काफी गहरा है। डॉक्टर, जख्म तो गहरा तब होता जब ये अंग्रेजी गोली सीना चीर कर निकल जाती। मामूली सा जख्म है, ये लो खंजर और निकाल दो गोली। गोगा। यस सर। इंजेक्शन।
ये क्या हरकत है? ये कैसे जानवर पाल रखा है आपने राजा साहब? जानवर है लेकिन वफादार, अपने मालिक के बदन में एक सुई भी चुभते हुए नहीं देख सकता हूँ। चलो बैठिए। गोगा देखिए आखिरी है। क्या वक्त आ पड़ा है, हम आपकी फीस भी नहीं दे सकते। अरे राजा साहब आप सलामत रहे, फीस तो क्या, हम जागीर लेंगे जागीर। अच्छा राजा साहब गुड बाय। शुक्रिया मेरे दोस्त। डॉक्टर हैरी अब आप कब आएंगे? अब तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रानी साहिबा, राजा साहब का इलाज पूरा हो चुका है। अच्छा गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सर जिसका इलाज आपके हाथों होगा उसे तो गॉड भी ब्लेस नहीं कर सकता। क्या हुआ आपको, क्या हुआ? चक्कर सा आ गया। दुश्मनों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है, तुम हमारे बच्चे को लेकर फौरन यहां से निकल जाओ। बहादुर तुम्हारे साथ है। नहीं, नहीं। जिद मत करो दुर्गा, हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जाओ दुर्गा, आज हमारे बच्चे का नाम रखने का दिन है ना? जी। ये रस्म पूरी करके ही हम अपने बेटे को विदा करेंगे। मर्द और मुस्कुराता हुआ, जा बहादुर जा, आज तेरी पीठ पर मेरे खानदान की जिम्मेदारी है। जा शाबाश।